दिल क्या करे जब किसी से किसी को प्यार हो जाए, जाने कहाँ कब किसी को किसारों सी इस दुनिया की रश में, हो ना कुछ तेरे बस में झूली ना कुछ मेरे बस में, दिल क्या करे जब किसी से किसी को प्यार हो जाए, जाने कहाँ कब किसी को किसी से प्यार हो जाए। रुकती है ऐसे किसी चेहरे पे निगाह रुकती है, जैसे पर्वत पे घटा झुकती है, जैसे सागर से लहर टूटती है, ऐसे किसी चेहरे पे निगाह रुकती है, हो रोक नहीं सकती नजरों को दुनिया भर की रस्में, ना कुछ तेरे बस में झूली ना कुछ मेरे बस में, दिल क्या करे जब किसी से किसी को प्यार हो जाए, जाने कहाँ कब किसी को किसी से प्यार हो जाए। तेरी याद में सबको बुला दूं, दुनिया को तेरी तस्वीर बना दूं, मेरा बस चले तो दिल चीर के दिखा दूं, हाँ मैं तेरी याद में सबको बुला दूं, दुनिया को तेरी तस्वीर बना दूं, मेरा बस चले तो दिल चीर के दिखा दूं, हो दौड़ रहा है साथ लहू के प्यार तेरा नस नस में, ना कुछ तेरे बस में झूली ना कुछ मेरे बस में, क्या करे जब किसी से किसी को प्यार हो जाए, किसी से प्यार हो जाए, ऊंची ऊंची दीवारों सी इस दुनिया की रस में, हो ना कुछ तेरे बस में झूली ना कुछ मेरे बस में, दिल क्या करे जब किसी से किसी को प्यार हो जाए, जाने कहाँ कब किसी को किसी से प्यार हो जाए।
जी हाँ दोस्तों साथियों, आज फिर से एक बार कल जैसे वादा किया था कि आनंद बख्शी स्मृति दिन था कल 30 मार्च 2002 को इस फानी दुनिया को वो अलविदा कह चुके थे। उसका जन्म इंडिपेंडेंस आज़ादी पूर्व पाकिस्तान के एक शहर में हुआ था और इसकी उनकी मृत्यु मुंबई महाराष्ट्र मुंबई इंडिया में हुई थी। आनंद बख्शी ने हजारों अनगिनत गाने लिखे हैं, एक एक से बढ़िया। उनकी खूबी ये थी कि वो जो लिखते थे वो सीधा समझ में आ जाता था। कई बार तो वो ऐसा भी लिख देते थे कि हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए, और कई बार ऐसा भी लिखते थे वो कि जिंदगी का सफ़र है ये कैसा सफ़र, रैना बीती जाए शाम ना आए। बहुत अच्छे अच्छे गीत उन्होंने लिखे हैं। आज फिर से मेरी साथी सहगायिका जयश्रीबेन हमारे साथ है। कल हमारे साथ पूजा बेन थी, आज हमारे साथ जयश्री बहन है। बहुत ही अच्छी गुलकारा यानी कि गायिका है। अभी उनका ही गीत आने वाला है, आप समझ जाइएगा कि मैं ऐसे ही प्रशंसा नहीं कर रहा हूँ। तो आइए आज की इस सुरीली महफिल का दूसरा गीत अलका याग्निक जी का गाया हुआ ये नगमा है। गीत के बोल है हमारी जयश्री बहन।
बहुत बढ़िया जयश्री बहन, आपने शुरुआत बहुत अच्छी की है। जो लोग देख रहे हैं अभी हमारा लाइव कार्यक्रम, उनमें से राजकोट से रश्मि बहन त्रिवेदी, उसके बाद ऑल द वे रायपुर छत्तीसगढ़ से राजू जोशी और हर्षा बहन जोशी, एक तो आप खुद हो जयश्री बहन देखने वालों में एक आप खुद हो, किरण भट्ट जी आपकी प्रशंसा कर रहे हैं, क्या बात है। कल्पेश भाई वारिया हमारे शिवरंजनी कराओके क्लास, यस स्क्रीन कराओके क्लास। मैं गुजरात के शहर जामनगर से कमलेश ओझा हूं और ये शिवरंजनी कराओके क्लास मैं चलाता हूं। मेरा सपोर्ट माय गुड सन सशेश करता है, जो कि हारमोनियम तबला गिटार फ्लूट और गायकी पांचों सिखाता है। मैं सिर्फ कराओके गाना सिखाता हूँ, एक आइटम सिखाता हूँ, वो पांच आइटम सिखाते हैं। हम दोनों मिलके ये क्लास चलाते हैं और इसका नाम है शिवरंजन की ही विद्यार्थिनी पूजा बहन थी, आज हमारी जयश्री बहन है। कितना अच्छा गाती है, वैसे भी इन्होंने ज्वाइन किया था, मैंने पहली बार उनका गाना सुना था तब भी मैंने कहा था कि आपने क्लास क्यों ज्वाइन किया है, पता नहीं चल रहा है, इतना अच्छा गा रही थी आप पहले दिन पर भी। लेकिन बहुत अच्छा है, कुछ आप सीख रही हो इसलिए आप कंटिन्यू हो। माइक में बोलो, अनुभव नो। और हमारे पंकज भाई छिछिया, वर्षा बहन छिछिया दोनों है, फोन फेसबुक लाइव हमारी पास है। पंकज भाई वर्षाबेन आपका भी स्वागत है। वर्षाबेन आप नी ट्रांसप्लांट करा के जामनगर आ गए हो पता चला है, विश यू स्पीडीएस्ट रिकवरी और जल्दी से जल्दी आप मेरे बाजू में इस कुर्सी पे बैठ के ये कार्यक्रम करें, ऐसी मेरी शुभकामना है। हिना बेन बोखिरिया वो भी हमारे साथ है, आप सबका स्वागत है। दो गीत आज के आज इस कार्यक्रम के हो चुके हैं, ये कार्यक्रम खास आनंद बख्शी की याद में उसको स्वरांजलि देते हुए ये बनाया है। आइए एक और नगमा, मेरे महबूब कयामत होगी, किशोरदा का एक गीत मैं सुनाने जा रहा हूँ। मेरे महबूब कयामत होगी, दुनियों में मोहब्बत होगी, नाम निकलेगा तेरा ही लब से, जान जब इस दिल ना सनम के दर से अगर बादे सबा हो तेरा गुजर, कहना सितमगर कुछ है खबर, तेरा नाम लिया जब तक पिजिया, ऐ सुनना तेरा परवाना जिसे अब तक तुझे नफरत होगी, आज रुसवा तेरी गलियों में मोहब्बत होगी, मेरे महबूब कयामत होगी। Thank you.
वफा का गाता सनम, तुझसे सुनाना चाहता सनम। फिर आज इधर आया हूँ मगर ये कहने मैं दीवाना, खत्म बस आज ये बहशत होगी। आज रुसवा तेरी गलियों में मोहब्बत होगी, मेरे करे और रहे वो तुझसे परे। तूने ओ सनम काए सितम तो ये तू भूल न जाना, के न तुझ पे भी इनायत हो। अभी जो हमारे साथ जुड़े हैं किरण जी, आपके दोस्त हैं। हाँ किरण जी, आपका स्वागत है। आपकी फ्रेंड जयश्री बहन कैसा गा रही है जरूर लिखना, वैसे आपने लिख दिया एक बार लेकिन 100 बार लिखना। कल की हमारी सहगायिका पूजा बहन त्रिवेदी आज हमारे साथ जुड़ी हुई है, ऑनलाइन है। वेलकम पूजा बहन, क्या बात है। राजू दासा, राजू भाई, भाई साहब आपका स्वागत है जामनगर से। चंडीगढ़ से राजू भाई दासा भी हमारे साथ जुड़े हैं, वेलकम। आइए आज की इस महफिल का चौथा नगमा तुम्हारे जी। एक ऐसे गीत ने पिक्चर को हिट कर दिया, सिंगर को हिट कर दिया, फिल्म बॉबी से यह नगमा लिया है, मैं शायर तो नहीं। मैं शायर तो नहीं, मैं शायर तो नहीं, मगर हसी जब से देखा मैंने तुझको, मुझको शायरी आ गई। मैं शायर तो नहीं मगर हसी जब से देखा मैंने तुझको, मुझको शायरी आ गई। मैं आशिक तो नहीं मगर हसी आशिकी आ गई। मैं शायर तो नहीं
प्यासी प्यासी निगाहों से जीते हुए मैंने देखा ही लोगों को पीते हुए, प्यासी प्यासी निगाहों से जीते हुए मैंने देखा है लोगों को पीते हुए। जब भी सावन में बादल बरसने लगा और भी मेरा दिल कुछ तरसने लगा, मैं महकश तो नहीं, मैं महकश तो नहीं, मगर हसी जब से देखा मैंने तुझको मुझको मैं कशी आ गई। मैं शायर तो नहीं, क्या हुआ उठ के मैं फिर से जाने लगा, होके मगरू आंखें चुराने लगे। क्या हुआ उठ के मैं फिर से जाने लगा, होके मगरू आंखें चुराने लगे। तेरे दिल से जरा दिल लगी मैं करूं, थोड़ी सी अपनी तारीफ भी मैं करूं। मैं दिल पर तो नहीं, मैं दिल पर तो नहीं, मगर हंसी जब से देखा मैंने तुझको मुझको दिल भरी आ गई। शायर तो नहीं मगर हंसी जब से देखा मैंने तुझको मुझको शायरी आ गई। मैं शायर तो नहीं। शिवरंजनी कराओ के क्लास की एक और बेहतरीन गुलकारा पारुलबेन जोशी जी हमारे साथ जुड़ी हुई है। चेतन कुमार जी आपका स्वागत है। पूजा बेन सही बात है, ये जो गीत था बॉबी का और इस कराओ के ट्रैक में जो स्टांजास थे अंतरा थे वो नए ही थे, फिल्म में नहीं थे, ऐसे ही थे, इसलिए ट्रैक से नजर नहीं हटती थी। आइए एक दो गाना सुनते हैं। फिल्म मिलन से ये नगमा लिया है, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी का संगीत है, आनंद बख्शी का लिखा हुआ। इसमें मुकेश जी लता मंगेशकर जी को सौ बोलना सिखाते हैं। फेसबुक लाइव में मोबाइल छे वो सौ को सौ या सौ को सौ बोलती है क्या है पता नहीं, अभी लता मंगेशकर जी की गलती हुई थी, लेकिन हमारे वो एक पार्ट ऑफ सिंगिंग था। फिल्म में नूतन जी को सुनील दत्त गाना सिखाते हैं और पवन करे शोर होता है शोर, और वहां नूतन जी गाती है पवन करे शोर, शव मिंडा वाला जिसको शव शकोरा ना शव बोलते हैं, हमें बोलना है पवन करे शोर, लेकिन पहले गलत बोलना है, मैं सुधारू तब सही बोलना है। आइए फिल्म मिलन से नगमा लिया है।
सावन का महीना पवन करे सो, सावन का महीना पवन करे सो, पवन करे सो, पवन करे सो। अरे बाबा शोर नहीं, सो 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 अर्जुन में ऐसे जैसे पन्ना नाचे मो, सावन का महीना पवन करे शोर, अर्जुन में ऐसे जैसे पन्ना नाचे मो, जैसे पन्ना नाचे मो।
बहुत ही अच्छा रहा, बहुत ही लोगों को ये दो गाना पसंद आया है। इसमें से हमारे राम बोखिरिया जी है, परेश भाई भट्ट है, सूरज कौशिक जी है, हमारी पूजा बेन त्रिवेदी है, पूनम बेन भट्ट भी हमारे साथ है, बेन हर्षा बेन, एक हमारी अहम जो प्रेक्षक है श्रोता है वो अभी नहीं है जुड़ी, तो चलो उसको फोन किया जाए। मेरी बहन है, शायद उसको मैसेज नहीं मिला, ऐसा हुआ है। आइए एक किशोरदा का फिल्म अजनबी, फिल्म का टाइटल सॉन्ग मैं सुनाता हूँ। अगर वो फोन लगाया है, अगर फोन उठाती है तो 5 सेकंड में बात करके काट दूंगा। ओके, नो रिप्लाई आ रहा है। आइए फिल्म अजनबी का टाइटल सॉन्ग। हसीना से यूं मुलाकात हो गई, एक अजनबी हसीना से यूं मुलाकात हो गई, फिर क्या हुआ, एक अजनबी हसीना से यूं मुलाकात हो गई। अजनबी हसीना से यूं मुलाकात हो गई, होता मैं शायर अगर कहता गजल तेरी अदाओं पर, कहता गजल तेरी अदाओं पर, मैंने कहा तो मुझसे खफा हो जाने हयात हो गई, एक अजनबी हसीना से यूं मुलाकात हो गई। Yeah.
पीछे रहा मगर बन गई वो हम सफर, वो मेरे साथ हो गई अजनबी हसीना से यूं मुलाकात हो गई। तो ये था फिल्म अजनबी का टाइटल सॉन्ग किशोरदा का गाया हुआ। आनंद बख्शी ने बहुत सारे लोगों को ली कि ब्लैक एंड व्हाइट फिल्मों से लेकर ईस्टमैन कलर से लेकर मल्टी स्टारर मूवीज तक बहुत सार अलका याग्निक तक कुमार सानू तक के उन्होंने गीत लिखे हैं। तो इस दौरान उन्होंने एक पंकज उदास के लिए भी गीत लिखा था। पंकज उदास इस गीत के लिए फिल्म में आना ही नहीं चाहते थे। उसको बोला गया कि आपका गीत रखते हैं, तो उन्होंने बोला कि मैं स्टूडियो में रिकॉर्ड करूँगा। डायरेक्टर प्रोड्यूसर ने बोला प्रोड्यूसर ने बोला कि पंकज उदास जी आपको फिल्म में आकर स्टेज पर से आपको ही गाना गाना है, प्लेबैक सिंगर भी आप हो और स्क्रीन पर भी आप होंगे। तो पंकज उदास जी घबरा गए। उन्होंने स्टेज शो बहुत किए थे लेकिन फिल्मों में काम कभी नहीं किया था। उसने बोला मैं फिल्म में काम नहीं करूँगा। सोचिए अगर वो नहीं माने होते तो क्या होता। उसके भाई थे मनोहर उदास जी, उन्होंने समझाया कि कुछ नहीं होता, जैसे आप स्टेज पे गाते हो और कोई कैमरामैन शूटिंग करता है वैसे ये फिल्म वाले शूटिंग कर लेंगे, तो गा लो। बता दूं कि गा के सुनाऊं? गा के सुनाता हूं। तो आप तो कई लोग जानकार है वो समझ गए होंगे, ये भी समझ गई है लेकिन थोड़ा बातचीत करने के लिए पूछ रही है। आनंद बख्शी का लिखा हुआ पंकज उदास के लिए अमर रचना हो गई ऐसा ये गीत। सूमी हो गई
शहर की गलियां कांटे बन गई, बाग की गलियां कहते हैं सावन के झूले, भूल गया तू हम नहीं भूले, तेरे बिन जब आई दिवाली दीप नहीं दिल जले है खाली, तेरे बिन जब आई होली चिकारी से छूटी गोली, पर सुना पनघट सुना हर शमशान का बना मंदिर, फसल कटी आई बैशाखी तेरा आना रह गया बाकी, चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है आई है चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है वतन। पहले जब तू खत लिखता था कागज में चेहरा दिखता था, बंद हुआ ये मेल भी अब तो खत्म हुआ ये मेल भी अब तो, चोरी में जब बैठी बहना देख रहे थे नैना, मैं तो बाप हूँ मेरा क्या है, तेरी माँ का हाल बुरा है, तेरी बीवी करती है सेवा सूरत से लगती है देवा, पैसे ने देश छुड़ाया, पंछी पिंजरा तोड़ के आ जा, देश पराया छोड़ के आ जा, पंछी पिंजरा तोड़ के आ जा, उम्र बहुत है छोटी अपने घर में दी है रोटी, चिट्ठी आई है बड़े दिनों के बाद, हम बेवतनों को याद वतन की मिट्टी आई है, चिट्ठी आई है आई है चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है आई है चिट्ठी आई है, बड़े दिनों के बाद हम बेवतन वतन की मिट्टी आई है, चिट्ठी आई है आई है चिट्ठी आई है। थैंक यू जयश्री बहन, ये इसको कहते हैं सही कलाकार सही गायक। अंत में मैंने जस्ट जयश्री बहन को निर्देश किया कि ये दो लाइना है वो आपको भी गानी है कोरस के साथ। आपने बहुत अच्छा गाया सर। ये गाना ऐसा था अगर किसी के बेटे बाहर होते थे यूके कनाडा यूएसए दुबई और ये बाप गा रहा है ना बेटे के लिए कि पैसा बहुत कमाया है? दो रोटी चावल खाने हैं उसमें क्या है, क्यों गया है वापस आ जा, तो लोग रोते थे ये गाना सुन के। और पंकज उदास जी का ये गाना ये गीत अमर हो गया। आज आपने ऐसा ही गया फिर याद दिला दिया। जिसके कोई बाहर है
है, विदेश में है, उसको ये गाना बहुत ही रुला देता ही है। माई गुड सन ऑल्सो हैज जॉइंड सक्सेस ओजा। और फिर से एक बार हम सभी लोगों का स्वागत करते हैं, है पूजा बेन त्रिवेदी, परेश भाई भट्ट, पारुल बेन जोशी, चेतन कुमार जोशी, कल्पेश भाई वारिया, गौरव दासा जी, एडी प्रोडक्शंस करके कोई चैनल है वो भी देख रहे हैं। कृपया आपका नाम भी लिखिए। वर्षा बेन चीचिया जी, पंकज भाई चीचिया, परेश भाई त्रिवेदी, यह सारा गांव एक तरफ, बीवी का भाई एक तरफ, मेरा साला है बड़ौदा से, परेश भाई त्रिवेदी भी देख रहे हैं। परेश भाई वेलकम। रंजीत भाई वदर, जयश्री बेन की फैमिली से ही है, आपका स्वागत है। और हमारे बहुत ही अजीज और सबके अजीज, जामनगर में सबके कराओ के सिंगर्स के अजीज है, ऐसे हमारे उमेद सिंह जी, सोढ़ा जी हमारे साथ जुड़े हैं। थैंक यू उमेद सिंह। आइए एक मिलन का एक बहुत ही अच्छा डुएट सुनाते हैं, हम तुम युग युग से, ये गीत मिलन के गाते रहे। इससे पहले कि ये डुएट शुरू करें, थोड़ा पानी पी लो।
ओ ओ सावन में जब कभी ये बादल गगन पे छाए बिजली से डर गए तुम कर कर करीब आए युग युग से ये गीत मिलन के गाते रहेंगे गाते रहेंगे हम तुम जग ये बंधन ना तोड़ सका हम तोड़ के हर दीवार मिले इस जन्म जन्म की नदियाँ में इस पार मिले उस पार मिले का महीना था जयश्री बेन आपके साथ गाया हुआ आज की ही इस महफिल का और ये दोनों बेहतरीन रहे। आइए फिर से एक बार एक सोलो सॉन्ग मैं सुनाता हूँ। अभी हमारा जो ओपन माइक सेशन 34 था इसमें कल्पेश वारिया जी ने ये नगमा बहुत बेहतरीन गाया था। फिल्म अनुरोध राजेश खन्ना और डिम्पल नी बहन थी ने एटले राजेश खन्ना नी वाइफ डिम्पल डिम्पल नी बहन सिंपल हाँ शी वॉज नॉट सो सिंपल तो उस फिल्म से ये नगमा है। गीत के बोल है आपके अनुरोध पे मैं ये गीत सुनाता हूँ। फिल्म अनुरोध का टाइटल सॉन्ग अनुरोध पे मैं ये गीत सुनाता हूँ मैं ये गीत सुनाता हूँ आपके अनुरोध पे मैं ये गीत सुनाता हूँ मैं ये गीत सुनाता हूँ बहलाता हूँ आपके अनुरोध पे मत पूछो क्यों रोता
चोट किसी को लगती है और दर्द किसी को होता है। दूर कहीं कोई दर्पण टूटे तड़प के मैं रह जाता हूँ। आपके अनुरोध पे साहब ने एक अंतरा में लिखा है, दूर कहीं कोई दर्पण टूटे तड़प के मैं रह जाता हूं। यह हाल होता है दिल से जीने वाले लिरिसिस्ट गीतकार का। कहीं पर भी कुछ, हम तो क्या न्यूज पढ़ते हैं कि यहां कुछ ऐसा हो गया, वहां पे मानव बम ने 20 लोगों को मार दिया, रशिया में यह हो गया, यूक्रेन में यह हो गया, हम न्यूज पढ़ते हैं। लेकिन जो दिल से जीने वाले लोग होते हैं वो क्या ऐसी हालत होती है उसकी, दूर कहीं कोई दर्पण टूटे तड़प के मैं रह जाता हूँ। और दूसरे अंतरे में उन्होंने एक खूबी लिखी है कि तारीफ में एक और ले लेते हैं, आपका गीत ले ले, चलो बैठी हो तो एक आपका गीत ले लेते, बाद में तो तीन गीत मेरे एक साथ आएंगे, पहले मेरे ही ले लेता हूँ। एक ना एक दिन ये तू मेरे सपनों की रानी बनेगी। एक
लिखना एक दिन ये कहानी बनेगी, तू मेरे सपनों की रानी बनेगी। मैं तेरा दीवाना बनूंगा, रानी तू मेरी दीवानी बनेगी। लिखना एक दिन ये बनेगी, तू मेरे सपनों की रानी बनेगी। ये कहानी बनेगी, तू मेरे सपनों की रानी बनेगी। चैन लूटा है, नींद लूटी है, ऐसे मौसम में तुमसे रूठी है। चैन लूटा है, नींद लूटी है, ऐसे मौसम में तुमसे रूठी है। ये तेरे हाथों की अंगूठी प्रेम की पहले निशानी बनेगी। एक ना एक दिन ये कहानी बनेगी, तू मेरे सपनों की रानी बनेगी। गुस्सा तू भूल जाएगी, तेरे होठों पे हंसी आएगी। ये गुस्सा तू भूल जाएगी, तेरे होठों पे हंसी आएगी। ये आज हो या कल हो ये होगा, ये बेरुखी मेहरबानी बनेगी। एक ना एक दिन ये कहानी बनेगी। दौलत आती है बाद में, गोरी मान जाती है। तेरा मेरा नया नया मिलन है, ये मुला एक ना एक दिन ये कहानी बनेगी, तू मेरे सपनों की रानी बनेगी। मैं तेरा दीवाना बनूंगा, रानी तू मेरी। ये कार्यक्रम का 10वां 11वां सॉन्ग था, और अभी अभी मैंने स्क्रीन पर देखी है, यूट्यूब फेसबुक में तो स्ट्राइक आती है लेकिन यूट्यूब में भी आई। स्क्रीन पर मैसेज ये था कि ये गाना बंद कीजिए वरना हम आपका लाइव बंद कर देंगे। तो नसीब वाले हम इतने अच्छे थे कि गाना के अंत में उन्होंने मैसेज दिया, तो अच्छा हुआ। अभी यूट्यूब लाइव चालू है तो ऐसा होता है, यो होता है कॉपीराइट वाला मैटर है इसलिए। तो ये बहुत ही गंभीर प्रकार के दो गीत हम सुनाने जा रहे हैं। एक तो सोलो गीत हमारी जयश्री बहन हमें सुनाएगी, रैना बीती जाए शाम ना आए, क्या बात है। उसके बाद एक और गंभीर गाना, यानी दो गंभीर गीत। तो आप बस बैठ जाइए, अब मैसेज नहीं करोगे तो चलेगा। गंभीर गाने हमें स्थिर रह के सुनने चाहिए इसलिए। ओके, thank you.
Yeah.
बहुत ही बेहतरीन नगमा गाया। ये गाना वैसे लाइव में गाने के लिए भी बहुत ही गुलकारा होती है, बहुत ही अच्छे अच्छे जो सिंगर्स हैं फीमेल सिंगर्स, मैं बहुत सारे फीमेल सिंगर्स को जानता हूँ, इसलिए बताता हूँ जयश्री बेन आपने बखूबी बहुत ही निभाया इस गीत को, बेहतरीन, वेरी गुड, थैंक यू। आइए इसके बाद एक दूसरा भी गंभीर गाना है, गीत ही शुरू होते आपको पता चल जाएगा। ये गीत है जो हमारा क्लास है शिवरंजनी कराओके क्लास, ये शिवरंजनी राग पर आधारित किशोरदा का गाया हुआ ये नगमा है। अब तो आप समझ गए होंगे, फिर भी सावन भादो फिर भी मेरा मन प्यासा, फिर भी मेरा मन प्यासा, मेरे नैना सावन भादो फिर भी मेरा भी मेरा। फिर भी मेरा
जीतूभाई चीचिया शिवरंजनी कराओके क्लास परिवार से ही है और आजकल वो अपने बेटे के यहाँ जर्मनी गए हुए हैं। वो लिखते हैं जर्मनी में वहाँ पर अपने ड्राइंग रूम में जो 35 इंच का कलर टीवी है उनमें ये लगा के ज्वाइन करके वो देख रहे हैं। थैंक यू। और मुझे मालूम है जीतू भाई, मुझे मालूम है कि इससे भी बढ़िया आपके हृदय का स्क्रीन है जिस पर मेरी छवि बनी हुई है। सही बात है। रफी साहब का एक देख कर जी रहे हैं सभी। ये रेशमी जुल्फें ये शरबती आंखें इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी, इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी। ये रेशमी जुल्फें ये शरबती आंखें इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी, इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी। रहना ये अफसाना कोई इनको ना बदलाना के इन्हें देख कर पी रहे हैं सभी, इन्हें देख कर पी रहे हैं सभी। ये रेशमी जुल्फे ये शरबतियाँ के इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी, इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी।
इनकी शिकायत करते हैं, फिर भी इनसे मोहब्बत करते हैं। ये क्या जादू है जान, फिर चाप गिरे दीवान रहे हैं सभी, इन्हें देख कर सी रहे हैं सभी। ये रेशमी ज़ुल्फ़ें, ये शरबती आँखें, इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी, इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी। आइए शुरू ही कर देते हैं, एक बेहतरीन डुएट है। मिस्टर नटवरलाल से ये नगमा लिया है, गीत के बोल हैं परदेसिया ये सच है पिया कि तूने मेरा दिल ले लिया। गीतों में लिखने के लिए दिल चुराने वाला परदेसिया ही होता है, फिल्मों में ऐसा ही होता है। लेकिन आजकल तो अगर 40 फ्लैट का कोई अपार्टमेंट है और फर्स्ट फ्लोर वाला सातवें फ्लोर वाली का दिल चुरा लेता है, पता ही नहीं चलता अपने अपार्टमेंट में ही वो भी होता है। आइए गीत सुनाते हैं।
तेरी तू जाने रे, माने न माने रे, मुझको मेरी मंजिल मिल गई। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अनिल चौहान कर आपने ये नगमा। वर्षाबेन, जीतूभाई, हर्षाबेन, सोनल, परेश भट्ट, बधानो आभार, खूब खूब आभार। तमे सांभळो छो, लाइव छो, बधानो धन्यवाद। कल्पेश भाई, चेतन भाई, रणजीत, बधानो धन्यवाद। लीना पाठक, वेलकम। मैंने शुरुआत में बताया था कि आनंद बख्शी साहब ने ब्लैक एंड व्हाइट फिल्मों से लेकर गेरुआ कलर आता था, गेरुआ, बाद में ईस्टमैन कलर आया, मल्टी स्टारर मूवीज तक, डिजिटल सब गए, कुमार सानू तक उन्होंने गीत लिखे, बहुत अच्छे अच्छे। तो कुमार सानू का गाया हुआ एक नगमा फिल्म परदेश से, सोलो सॉन्ग है। गीत के बोल हैं, दो दिल मिल रहे हैं मगर चुपके चुपके। कार्यक्रम के अंत की ओर हम आगे बढ़ते जा रहे हैं धीरे धीरे।
जैसे बोले बंद कर है बैठे, जैसे कोई बात नहीं, सब कुछ नजर आ साबेन। आप लेट आई हो, फिर भी ये अभी ये 16वां गीत है। मैं शायर बदनाम किशोरदा का गाया हुआ है, उसके बाद एक डुएट एक सोलो, एक डुएट एक सोलो, ठीक है। ये लास्ट से 5वां गीत है। 15 गीत हो चुके हैं, हम 20 गीत लेकर बैठे हैं आज। तो ये 16वां गीत मैं गा रहा हूँ, बाद में 17, 18, 19, 20 समाप्त। तो इस गीत के बाद 4 गीत है, तो बने रहिए ज्यादा से ज्यादा 22 से 25 मिनट। आनंद बख्शी साहब वो सिंपल लिखते थे, ऐसा उन पर इल्जाम था, लेकिन ये जो गीत में गाने जा रहा वो आप देखिए कि सिंपल लैंग्वेज में उन्होंने क्या लिखा है। शब्द पर जरा गौर फरमाइएगा। Oh,
हो मैं चला, मैं चला, मैं शायर बख्शी साहब ने कलेजा निकाल के रख दिया है। एक कोई भी इंसान जब अपनी जिंदगी में कुछ सर्जन करता है, कुछ ना कुछ क्रिएटिव आर्ट है उसमें, जैसे आनंद बख्शी साहब लिरिसिस्ट थे, गीतकार थे, तो और भी जी भर के किस्मत पे रोना था, यानी जब डेथ बेड पर, मृत्यु शया पर आदमी है तो उसको लगता है, जो क्रिएटिव आदमी है ना, उसको लगता है के जीवन में बहुत कुछ करना बाकी रह गया। ये अफसोस है। मैं एमवे में जब हाईली एक्टिव था तब हम उसमें एक मैंने किताब पढ़ी थी, उस किताब में जो राइटर था उसने जो डेथ बेड पर थे कैंसर के पेशेंट्स अमेरिका में,
अमेरिकन राइटर था जो इंग्लिश में बुक थी, बुक का नाम याद आएगा तो बताऊंगा मैं। तो वो कैंसर पेशेंट को सबको मिलते थे और पूछते थे उनके हालात, सबकी गरीब हो या तवंगर या बहुत ही मल्टा मिलियनर हो, सबकी एक ही कंप्लेंट रही थी डेथ बेड पर कि हमें जीवन जीना था लेकिन जी नहीं पाए, जी नहीं पाए। तो जीवन जीने का मौका मिले तो जी ही लेना चाहिए हैं सीनियर सिटीजन्स। मैं भी सीनियर सिटीजन हूँ वैसे, लेकिन आप जितनी हाइट नहीं है मेरी इसलिए आप बड़े हो। और जर्मनी से अभी जुड़े हैं, जर्मनी से अभी अभी वहाँ पर भी याद कर रहे हैं। हाँ वो तो कलाकार है, है? गायक कलाकार है तो वो उसका जी यहाँ ही रहेगा। आइए अब एक डुएट एक सोलो, एक डुएट एक सोलो, आखिरी चार गीत। डुएट है भीगी भीगी रातों में। भीगी भीगी रातों में, मीठी मीठी बातों में, ऐसी बरसातों में कैसा लगता है। हाँ ऐसा लगता है तुम बनके बादल, मेरे बदन को भीगो के मुझे छील रहे हो, छील रहे हो। ऐसा लगता है तुम बनके बादल, मेरे बदन को भीगो के मुझे छील रहे हो, छील रहे हो। ऐसा लगता है तुम बनके खटा, अपने सजन को भीगो के खेल खेल रही हो, खेल रही हो। ऐसा लगता है तुम बनके बादल, मेरे बदन को भीगो के मुझे छेद रहे हो, छेद रहे हो।
अगेन एक मुकेश जी का गाया हुआ बेहतरीन नगमा, जुबां पे दर्द भरी दास्तां चली आई। जुबां पे दर्द भरी दास्तां चली आई, जुबां पे दर्द भरी दास्तां। बहार आने से पहले फिजां चली आई, जुबां पे दर्द भरी दास्तां चली आई। चाह में मैंने उठाए रंग बड़े, खुशी की चाह में मैंने उठाए रंग बड़े, मेरा नसीब के मेरे कदम जहाँ भी पड़े। ये बदनसीबी मेरी वहां चली आई, जुबां पे दर्द भरी दास्तां चली आई। उदास रात है वीरान दिल की मैल है, उदास रात है वीरान दिल की मैल है, ना कोई मन दास्तां चली आई। बहार आने से पहले फिजां चली आई, जुबां पे दर्द भरी दास्तां चली आई। तो ये था नगमा फिल्म मर्यादा से राजेश खन्ना पर पिक्चराइज्ड। वैसे राजेश खन्ना के लिए ज्यादा गीत, सबसे ज्यादा गीत गाए हैं किशोर दा ने, बाद में रफ़ी साहब ने, अच्छा, बाद में मुकेश जी ने, बाद में मन्ना डे जी ने, और अंत में तो अनवर हुसैन यानी रफ़ी साहब का इंतकाल होने के बाद जो अनवर जी आए थे हमसे का भूल हुई जो ये सजा जनता हवालदार फिल्म में, तो राजेश खन्ना के ऊपर तो अनवर साहब ने भी गाया था। फिल्म आपकी कसम का टाइटल सॉन्ग डुएट, करवटे बदलते रहे सारी रात हम, आपकी कसम आपकी कसम।
सेकंड लास्ट सॉन्ग ऑफ द कॉन्सर्ट. हो
कसम, आपकी कसम। थैंक यू। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया निभाया। ये जो एंड में टैपिंग था, आपकी कसम, आप के सभी गीत आपने बहुत ही बखूबी निभाए। आज की इस महफिल का आखिरी नगमा, एक फिल्म थी उसमें भी आखिरी गीत था, एक फिल्म थी आप बताइएगा, राजेश खन्ना की फिल्म थी, उनमें सभी गीत किशोरदा के थे, एक गीत रफी साहब का था। फिल्म हाथी मेरे साथी, नफरत की दुनिया को छोड़ के प्यार की दुनिया में, क्या बात है। रहना मेरे यार।
सर लास्ट गीत बहुत ही बढ़िया। तो दोस्तों साथियों, इस गीत के साथ ही आज की इस आनंद बख्शी को जो हमने स्वरांजलि दी है दो पार्ट में, कल भी एक पार्ट था जिसमें मेरे साथ पूजा बहन त्रिवेदी ने सपोर्ट किया था, आज बखूबी बहुत सारे सोलोस और डुएट्स निभाए हमारी जयश्री बहन ने। तो थैंक यू जयश्री बहन फॉर कमिंग एंड शेयरिंग योर वैल्यूएबल टाइम एंड वैल्यूएबल, थैंक यू सर, वैल्यूएबल वैल्यूएबल वॉइस। तुम्हारो आभार सर, तुम चांस आप मैंने अने बधा जे अमारी साथे हता, जीतू भाई, प्रदीप भाई, जीतू भाई, पंकज भाई, वर्षा बहन, सत्यन टोलिया, परेश कल्पेश भाई वारिया, सशेष ओझा, लता ओझा, रश्मि बेन त्रिवेदी, हर्षा बेन जोशी, परेश भट्ट पहला थी जे आपडे आ छेट सुधी जोया रे, परेश भाई भट्ट, यस महादेवर परेश भाई, बधाई आभार। आखरी में गायत्री माँ की एक गुड विश आप सबके लिए, सभी के लिए करते हुए हम विदा लेते हैं। मैं यही कहना चाहता हूँ कि जैसी गायत्री माँ की कृपा मुझ पर और मेरे परिवार के सभी सदस्यों पर बरस रही है, ऐसी ही कृपा जयश्री बहन आपके पर और आपके परिवार के सभी सदस्यों पर और हमारे सुनने वाले, हमारे गीतों के चाहने वाले, अभी जो लाइव देख रहे थे, देख रहे हैं और इसके बाद भी कुछ लोग देखेंगे, सभी के लिए मैं ये प्रार्थना करता हूँ कि गायत्री माँ की कृपा उन सभी के परिवार के सभी सदस्यों पर ऐसी बनी रहे। इसके साथ ही आज की इस महफिल का मैं अंत घोषित करता हूँ इस वादे के साथ कि अगली बार एक और गुलकारा यानी के फीमेल सिंगर के साथ एक हफ्ते के अंदर अंदर 20 गीत लेकर मैं फिर से वापस हाजिर होऊंगा। तब तक आप राह देखिए, आओ जो, शुभरात्रि, गुड बाय, शुभरात्रि।